कोलगांव की तरफ से यवतमाल की तरफ आने की गुप्त जानकारी वाहतूक शाखा पुलिस को मिली थी। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्करियों ने पुलिस को ही जख्मी करने की कोशिश की। पर पुलिस की सतर्कता से कुछ भी जीवित हानि नहीं हुई, पर पीछा करने वाले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस हमले में जख्मी हुए। उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 9 गोवंश के साथ गाड़ी को जब्त कर गुना दाखिल कराया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। आज शुक्रवार सकाळी 10 वाजता बाबुळगावहून काही गो तस्कर गायला घेऊन यवतमाळकडे रवाना होत होते। या गो तस्कराचा पाठलाग करत काही बजरंग दलाचे कार्यकर्ते, विश्व हिंदू परिषदचे कार्यकर्ते गो वंश वाचवण्याकरता प्रयत्न करत असताना धामणगाव येथील बायपासवर पोलिसांनी सुद्धा त्या सहकार्य केले। हे करत असताना पोलिसांवर सुद्धा गो तस्करांनी मोठ्या प्रमाणात हल्ला केला आणि पोलिसांना सुद्धा जखमी केलं। अनेक बजरंग दलाचे, विश्व हिंदू परिषदचे कार्यकर्ते सुद्धा यात जखमी झाले। आमची अशी विनंती आहे SP साहेबांना की ही जी आपल्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गो तस्करी होत आहे, या गो तस्करीला आळा घालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात यावी असे विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलातर्फे आम्ही आवाहन करतो आणि विनंती करतो SP साहेबांना की त्यांनी याच्यात मोठं लक्ष घालून या कारवाया थांबवाव्या आणि गो तस्करी थांबवावी। किती जनावरं सापडली? 9 जनावरं। एकूण गो तस्करीमध्ये 9 गाई सापडल्या। 9 गाई मोठ्या प्रमाणावर कोंडून गाईमुळे पिकअपमध्ये आणल्या जात होत्या। अशा सर्व गाई आता गोरक्षणमध्ये त्यांचा उपचार सुरू आहे आपल्या इथे। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।